आप देख रहे हैं KSN 24, पल पल की खबर। कोविड 19 को लेकर पूरा देश सावधानी और सुरक्षा के लिए सचेत हो गया है, लेकिन जांजगीर चांपा जिले के स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के अधिकारी कोरोना रोकने के बजाय संक्रमण बढ़ाने में लगे हैं। ये हम नहीं बल्कि खुद अधिकारी भी मानते हैं। जांजगीर चांपा जिले के कोविड अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को बड़ी लापरवाही के साथ शहर के कूड़ा के साथ फेंक दिया गया है। वार्ड नंबर 25 शांति नगर में फैले कोविड मेडिकल वेस्ट से कोरोना बीमारी फैलने की आशंका है। इसके अलावा अन्य मेडिकल सामानों के फेंके जाने से लोगों की जान जोखिम में पड़ने लगा है। नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 25 शांति नगर में श्रम कार्यालय के पास ही कूड़ा डंपिंग किया जा रहा है, जहां हर रोज नगर से निकलने वाले कूड़ा को फेंका जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र के रहवासियों को बदबू से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, अब नगर के कचरा के साथ कोविड अस्पताल में उपयोग किए गए किट, इंजेक्शन और अन्य मेडिकल वेस्ट को भी यहीं खुले में फेंक दिया गया है। कोविड अस्पताल से निकले संक्रमित किट्स को खुले में फेंकना विभाग की बड़ी लापरवाही और अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इस मामले में भाजपा के नेता ने स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के अधिकारी पर कोरोना संक्रमण फैलाने और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री को भी जरूरत है। शहर में मेडिकल कचरे के समुचित निपटान के विषय पर लगातार शिकायतें आ रही थी। अभी ताज़ा मामला जो सामने आया है वो जांजगीर में TCL कॉलेज रोड में, जहां शासकीय भूमि पर कचरा नगर पालिका की ओर से फेंका जाता है, उसमें हम लोगों ने यह देखा है कि कोविड-19 से संबंधित जितने जो आवश्यक उपकरण जो बाद में ख़राब हो जाते हैं प्रयोग करने के बाद, उसमें PPE किट से लेकर ग्लव्स सभी सामान शामिल हैं, उनको ऐसे ही खुले में फेंक दिया जा रहा है और निश्चित रूप से इससे जनधन की हानि की संभावना बनी हुई है। सुबह लोग जो घूमने जाते हैं TCL कॉलेज में, जो छात्र छात्राएं अपने काम के लिए जा रही हैं, और सामने में ही मुख्य बाज़ार भी है, थोक व्यापार भी वहां होता है और थोक मंडी में आने जाने लोगों को पूरी असुविधा हो रही है। बगल में ही श्रम विभाग का ऑफिस है, जहाँ निरंतर प्रतिदिन मुझे लगता है लगभग 500 से 700 लोग अपने काम से आना जाना करते हैं, और ऐसे सभी लोगों के जान माल की परवाह न करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की असंवेदनशील रवैये के कारण लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि जांजगीर नगर पालिका परिषद में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों के ध्यान न देने की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है और यह बहुत बड़े किसी संकट का कारण बन सकता है। उसमें कोविड का टेस्ट किट दिख रहा है, रैपर दिख रहा है उसमें, और अन्य जो पदार्थ जहाँ पे कचरा मौजूद पाया गया है उन कचरा का कल परीक्षण करा लेते हैं। परीक्षण कराने के बाद देखते हैं कि वो वास्तविक में कोविड का कचरा है कि अन्य प्राइवेट निजी अस्पताल वालों ने फेंक दिया है, क्योंकि वहाँ पे कोई केयर ना ही कोविड केयर केंद्र है, ना ही कोई ECTC है। वही तो हम बता रहे हैं आपको कि हो सकता है प्राइवेट अस्पताल या निजी अस्पताल वालों ने वहाँ से फेंक दिया हो। इसमें परीक्षण करवा लिया जाता है जाएगा, उसके बाद उसमें फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कोविड के जो हॉस्पिटल से जो गंदगी निकलती है उसके लिए हमने शांति नगर में गड्ढे खुदवाए हैं, लेकिन हमें ऐसी शिकायत मिली है कि वास्तव में कचरा डालने के बाद उसको ढक देना चाहिए। तो मैं जाके, अभी आपने संज्ञान में ये बात लाई है, मैं जा रहा हूँ उसका निरीक्षण करने, और वहाँ पे गंदगी की और भी कुछ समस्याएं आई हैं कि काफ़ी कचरा फैला हुआ है, वो हम एक सप्ताह के अंदर उसको बिल्कुल से लाइनअप कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24।